हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। 1857 की क्रांति व राजस्थान 1857 की क्रांति व राजस्थान 30 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने अपने अंग्रेज़ अफसरों को मार दिया और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 11 मई को प्रातः दिल्ली पहुंचकर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। 11 मई को सुबह ही दिल्ली पहुंच गए और अंतिम मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर, इनको अपना जो है लीडर चुन लिया और शीघ्र ही क्रांति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। क्रांतिकारियों ने संदेश भेजने के लिए चपाती व कमल के फूल का प्रयोग किया। किस चीज़ का प्रयोग किया? क्रांतिकारियों ने संदेश मैसेज सेंड करने के लिए मैसेज भेजने के लिए चपाती व कमल के फूल का जो है। नेक्स्ट है भारतीय नेतृत्व केंद्र स्थान। देखिए बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली में जो है दिल्ली में इसका केंद्र था क्रांति का। बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली ही केंद्र था क्रांति का। नाना साहेब और तात्या टोपे इनके नेतृत्व में कानपुर में हुआ। लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी में विद्रोह हुआ। खान बहादुर के नेतृत्व में बरेली में। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ में। कुंवर सिंह के नेतृत्व में जगदीशपुर बिहार में यह हुआ विद्रोह 1857 की क्रांति का। देखिए राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को बृहस्पतिवार के दिन मतलब गुरुवार के दिन अजमेर की नसीराबाद छावनी में हुई। शुरुआत कहाँ से हुई? इस 1857 की क्रांति की 28 मई 1857 को गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार के दिन अजमेर की नसीराबाद छावनी से, जब कुछ सैनिकों ने अपने अंग्रेज अफसरों न्यूबरी इत्यादि को मारकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया रवाना हो गए। इस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। देखिए कौन कौन सी छावनियाँ थी? देखिए पहले जो थी नसीराबाद जो अजमेर में थी, ब्यावर अजमेर में थी, खेरवाड़ा जो छावनी थी उदयपुर में थी, देवली टोंक में थी, एरिनपुरा जो छावनी थी पाली में थी, नीमच मध्य प्रदेश में थी। तो ये छः सैनिक छावनियाँ थी। देखिए नसीराबाद और ब्यावर दोनों अजमेर में थी, खेरवाड़ा जो थी उदयपुर में थी और देवली टोंक में थी, एरिनपुरा पाली में और नीमच कहाँ पर थी? मध्य प्रदेश में। नीमच का काफ़ी एग्जाम्स में जो है पूछ लिया गया है ये बात कि नीमच कौन से स्थान पर थी और मध्य प्रदेश में थी, वर्तमान मध्य प्रदेश में है लेकिन पहले ये राजस्थान में थी। इस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG पैट्रिक लॉरेंस था। सॉरी इस जगह क्या है मिस टाइप हो गया, पैट्रिक लॉरेंस था यहाँ पर पैथिक की जगह। तो AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG जो थे पैट्रिक लॉरेंस थे जो अपने ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू में था जो है। ग्रीष्मकालीन हेडक्वार्टर कहाँ पर था AGG का? माउंट आबू में सिरोही में। AGG का इतिकालीन मुख्यालय अजमेर में था, परमानेंट बोल सकते हैं, परमानेंट जो हेडक्वार्टर था ये अजमेर में था। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिल्ली जाते समय यह नारा दिया, कौन सा नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा दिया एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिल्ली जाते समय। क्रांति का सर्वाधिक असर राजस्थान में कोटा रियासत में देखने को मिला। कोटा के शासक रामसिंह द्वितीय थे और कोटा में अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट मेजर ब्रटन थे। कोटा में क्रांतिकारियों के नेतृत्व में जयदयाल व महाराव खान ने किया। उन्होंने मेजर ब्रटन और उसके दो पुत्र व एक चिकित्सक को काटकर पूरे शहर में घुमाया। अंत में कोटा द्वारा द्वार पर लटका दिया गया। इस समय मारवाड़ में तख्त सिंह शासक थे, तख्त सिंह का शासन था मारवाड़ में। यहाँ अंग्रेजी एजेंट मोक मेशन, यहाँ पर थोड़ा मिसटाइप है, यहाँ पर अंग्रेजी एजेंट थे मोक मेशन थे और क्रांतिकारियों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया, हत्या कर दी मोक मेशन की क्रांतिकारियों ने। मारवाड़ क्षेत्र में आउवा ठिकाने में 1000 बुझाओं वाली सुगाली माता के भक्त ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारी को नेतृत्व करते हुए मारवाड़ व अंग्रेजों की संयुक्त सेना को क्रमशः 2 युद्धों में पराजित किया। देखिए पहला कौन सा युद्ध था? बिथोड़ा का युद्ध, और दूसरा था चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध को गोरो व कालो का युद्ध भी कहा जाता है। देखिए बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने अंग्रेजों को साथ देते हुए राजस्थान से बाहर जाकर क्रांति को दबाने में उनकी मदद की। इस क्रांति के दौरान लक्ष्मीबाई व खान बहादुर वीरगति को प्राप्त हुए। बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और राजस्थान से बाहर जाकर क्रांति को दबाने में उनकी क्या की? सहायता की। और इस क्रांति के दौरान लक्ष्मीबाई व खान बहादुर क्या हुए? वीरगति को प्राप्त हो गए। बेगम हजरत महल व नाना साहेब नेपाल चले गए, ये दोनों नेपाल चले गए, बेगम हजरत महल और नाना साहेब।
अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर व उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून भेज दिया गया। 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अप्रैल 1858 ईस्वी तक क्रांति का दमन किया जा चुका था। शिक्षित व मध्यम वर्ग पूर्णतः उदासीन रहा, अधिक शासक वर्ग ने अंग्रेजों का साथ दिया। तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग के अनुसार, देखिए एक जो है एक क्वेश्चन आपसे जो है पुटअप किया जा सकता है कि 1857 की जब क्रांति हुई उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे जनरल कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो इनके अनुसार अगर ग्वालियर के सिंधिया महाराज हमारा साथ न देते तो हमें आज ही बोरिया बिस्तर समेट कर भागना पड़ता, ये कहा था कि इन्होंने, ये कहा था उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ये उन्होंने क्या कहा था कि अगर ग्वालियर के सिंधिया महाराज ने हमारा साथ न दिया होता तो हमें आज ही बोरिया बिस्तर समेट कर भागना पड़ता। तो ये स्टेटमेंट थे किसके, कैनिंग की। निफ्टी 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी की और यूरोपीय सैनिकों की संख्या में की वृद्धि की बढ़ाया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था सदा के लिए समाप्त हो गया और भारत पर जो है ब्रिटिश क्राउन का अधिकार स्थापित हुआ। एक नई पद जो भारत सचिव की स्थापना की, चार सूर प्रथम भारत सचिव बनाए गए और गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय का पद भी कहा जाने लगा। इस प्रकार कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। देखिए क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का उस 1857 की क्रांति के बाद में सदा के लिए समाप्त हो गई कंपनी और भारत पर किसका शासन स्थापित हुआ, ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश जो है राजमुकुट का। एक नई पद की जो है स्थापना हुई, उसका नाम था भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी या भारत सेक्रेटरी, और इसकी स्थापना हुई। चार्ल्स वुड भारत के प्रथम भारत सचिव बनकर आए और गवर्नर जनरल का जो पद था उसके अब इसके बाद जो है वायसराय का पद भी कहा जाने लगा और इस प्रकार कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय बने।